क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट है अपने पास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, एडेनो वायरस हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, वेयर एज रेट्रोवायरस हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम्स। तो एक पहला जो स्टेटमेंट है वो एडेनो वायरस और रेट्रोवायरस के जीनोम कंटेंट के बारे में है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉमन कोल्ड इज समटाइम्स कॉज्ड बाय एडेनो वायरस, वेयर एज एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। फिर से दोनों ही वायरस को लिया है, इस बार डिजीज़ के ऊपर बात चल रही है कि जनरली कौन सी डिजीज़ होती है। अब इसके आंसर्स के पहले हम थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर बात करते हैं इसमें। तो देखिए, ये हमारा है एडेनो वायरस और आप देख सकते हैं कि एडेनो वायरस का यहाँ पे इफ़ेक्ट क्या है। तो देखिए, एडेनो वायरस के बारे में कुछ बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि ये जो वायरस है, आप इसमें देखिए, आपको कोई एनवलप नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई एनवलप नहीं दिखाई दे रहा है। तो एडेनो वायरस होता है ये नॉन एनवलप्ड होता है। कैसा होता है? नॉन एनवलप्ड। और इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। तो दो बातें क्लियर हो गई कि इसमें एनवलप नहीं होगा प्रोटीन का, जो लिपिड का प्रोटीन का कवर होता है वो नहीं होगा। और दूसरा, ये कैसा होगा, इसका कंटेंट, जो जीनोम का कंटेंट है वो क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है भाई, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। फिर थोड़ा और इसके बारे में देख लेते हैं कि इसको ये नाम क्यों पड़ा है ना, एडेनो वायरस बोलते हैं तो एडेनो वायरस क्यों बोल रहे हैं? जैसे एड्स जो है, एचआईवी वायरस, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या हुआ? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये नाम क्यों हुआ? क्योंकि ह्यूमंस में इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी आ जाएगी, यानी इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देगा इस वायरस की वजह से, तो एचआईवी बोल दिया। इसी तरीके से एडेनो वायरस का नाम ये क्यों हुआ? तो रीज़न ये है कि ये फर्स्ट टाइम जब इसको डिस्कवर किया गया तो किस पार्ट में किया गया? तो ये एडिनॉइड टिशू में किया गया। कहाँ किया गया? एडिनॉइड टिशू। अब कहाँ होता है अभी बताते हैं। और कब किया गया? 1953 में, रो और उसके बाकी के जो कलीग्स थे उन लोगों ने इसको डिस्कवर किया। ठीक है, तो हमें तीन बातें पता चल गई इसके बारे में। एक तो इसमें एनवलप नहीं होता है, दूसरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए से बना होता है, तीसरा 1953 में इसको एडेनॉइड टिश्यू में डिस्कवर किया, इसीलिए इसको एडेनो वायरस बोलते हैं। अब एडेनॉइड टिश्यू कहाँ होता है? तो देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे कहता है कि आप अपना माउथ ओपन करें, और वो कहता है टॉर्च लेकर के कुछ देखने की कोशिश करता है। तो जो वो देखने की कोशिश कर रहा होता है वो एक्चुअली माउथ के अंदर गले के आसपास टॉन्सिल्स होते हैं, और वो जो लोकेशन है वो हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो, और जो नेजल कैविटी है वो, इन दोनों के बिल्कुल जंक्शन वाले पॉइंट पे वो टॉन्सिल्स होते हैं। तो इनको और क्या बोल दिया जाता है? नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल, क्योंकि ये नेजल कैविटी और जो फेरिंग्स होती है इन दोनों के जंक्शन वाले पॉइंट पे होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको पता चल गया कि एडिनॉइड टिश्यू कहाँ होता है। तो एडिनॉइड टिश्यू गले के आसपास होता है, तो वहाँ पे क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था इसलिए इसको एडिनो वायरस बोलते हैं। अब प्रेजेंट टाइम पे एडिनो वायरस बेस्ड वैक्सीन्स हैं जिनका कि यूज़ किया जाता है बहुत सारे पैथोजेंस के अगेंस्ट, जिसमें कि माइकोबैक्टीरियम आता है, टीबी हो गया है ना, एचआईवी हो गया, इसके अलावा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम हो गया। इन सब के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनाई जाती है, उस वैक्सीन को बनाने में एडेनो वायरस हेल्प करता है। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो नई जो वैक्सीन बनाई जाती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, और उन वैक्सीन में हमने ये भी देखा था कि जो वायरस होते हैं वो हेल्प करते हैं। अब इसको
उस बात को अभी यहाँ नहीं छेड़ते हैं, आगे बात करते हैं। तीन बातें अभी हमें पता चली। अब आगे है कि एडेनोवायरस से एक वाइड रेंज ऑफ इलनेस ये कॉज करता है, क्या क्या है? तो एक तो आप पिक्चर में ही देख लिया होगा क्या है इसे कॉमन कोल्ड हो रखा है। तो एक तो सबसे स्टार्टिंग में यही होगा, कॉमन कोल्ड होगा, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, फीवर होगा, सोर थ्रोट होगा, गले में दर्द होगा, है ना, एक्यूट ब्रोंकाइटिस भी होगा लंग्स में, है ना, चेस्ट कोल्ड भी इसको कह देंगे, निमोनिया जैसे सिम्टम्स होंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा लंग्स में, है ना, आंखें जो है गुलाबी हो जाएंगी, कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा में स्वेलिंग हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस हो गया, है ना, गैस्ट्रो एंटेराइटिस हो गया, इंफ्लेमेशन हो जाएगा स्टमक वगैरह में। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो किस में रहेगा, इसमें कॉमन कोल्ड में। अब ये तो बात हो गई सारी एडेनोवायरस के बारे में। तो एडेनोवायरस के बारे में हमें क्या पता चल गया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया, उसका नेम ऐसा क्यों रखा गया ये पता चल गया, और ये पता चल गया कि उससे क्या क्या इफेक्ट होंगे हमारी बॉडी में। ठीक है, अब बात करते हैं रेट्रोवायरस की। ठीक, रेट्रो, तो देखिए रेट्रोवायरस जो है ये आरएनए से बना होता है। सबसे खास बात, ये रेट्रोवायरस जो है, ये बात 9th की एनसीईआरटी में भी दी हुई है और 12th की एनसीईआरटी में भी दी हुई है कि जो रेट्रोवायरस होता है ये आरएनए से बना होता है। और इसके पास, अब देखिए आरएनए से बना है तो ये क्या करेगा, एक एंजाइम रखेगा और उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रेट्रो का मतलब ये होता है उल्टा, रेट्रो का मतलब उल्टा। तो ये जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये क्या करेगा, ये इसको एक यूनिक प्रॉपर्टी देगा आरएनए से डीएनए बनाने में। किसमें? आरएनए से डीएनए बनाने में। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है ये इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि जब ये वायरस अटैक करेगा किसी सेल पे, है ना, ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए है। ठीक है भाई, अब जब ये वायरस अटैक करेगा तो वायरस का कॉमन मैकेनिज्म क्या होता है, हर वायरस के लिए ये मैकेनिज्म होता है कि उस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल जिस सेल पे इसने अटैक किया है उस सेल के जेनेटिक मटेरियल के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेगा। ये एक तरह से हाईजैक करना जैसे हुआ कि प्लेन को हाईजैक कैसे किया जाएगा कि उसके जो पायलट है पायलट को ही सीधे गन पॉइंट पे ले लेंगे और उसके बाद फिर जहां मर्जी वहां ले जाएंगे उस प्लेन को। तो बस यहां भी यही हो रहा है कि जब भी कोई वायरस किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो उस सेल के न्यूक्लियस के डीएनए के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेगा और उसके बाद फिर सिग्नल देगा उस सेल को कि तुम अब वो प्रोटीन्स बनाओ जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो डीएनए के साथ डीएनए को ही इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। अगर आरएनए अंदर एंटर करेगा तो आरएनए डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रेट्रोवायरस को आरएनए से पहले डीएनए बनाना होगा और उसको बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो कौन सा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। तो इस एंजाइम की हेल्प से ये यहाँ कन्वर्ट कर लेगा आरएनए से डीएनए में कन्वर्जन, और इसको बोलते भी क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इस प्रोसेस को, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। तो ये हो गई। अच्छा, और एचआईवी भी कैसा होता है, इसी टाइप का वायरस होता है, इसी टाइप का वायरस होता है। अच्छा, रेट्रोवायरस थोड़ा ज़्यादा खतरनाक वायरस होता है। रीज़न ये है कि रेट्रोवायरस आरएनए से बना हुआ है और आरएनए में डीएनए के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट चेंजेस होते हैं। ज़्यादा फास्ट चेंजेस होने की वजह से इसके लिए वैक्सीन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में दो पॉइंट दिए, पहला तो ये दिया था कि भाई एडेनोवायरस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का बना होता है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया, सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कि कॉमन कोल्ड होता है किससे, एडेनोवायरस से, सही बात है। और जो एड्स होता है वो किससे होता है, रेट्रोवायरस से, ये भी सही बात है क्योंकि एचआईवी वायरस जो है वो क्या है, रेट्रोवायरस ही है। तो इस तरह से सेकेंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा और आंसर हो जाएगा बी।